हमारे चैनल अहमद इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए और आप हमारे साथ बने रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं FIR की। तो आप सभी जानते हैं कि हमें जो FIR करवानी पड़ती है, अगर हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो हमें उसकी FIR करनी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि उसका कोई भी गलत मिसयूज ना हो पाए। मान लीजिए आपकी गाड़ी खो गई, या आपका फ़ोन खो गया, या आपकी कोई भी कार खो गई, तो उसके लिए आपका FIR करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आपको उसके लिए आप ऑनलाइन ही अपनी FIR दर्ज करवा सकते हैं, और उसके बाद आपको एक नंबर मिल जाएगा, उसके बाद आपको पता चल सकता है कि आपकी जो FIR है वो कहाँ तक पहुँची है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको किस तरह FIR दर्ज करवानी है और आपको कौन सी वेबसाइट पर जाके करनी है। और ऐसा नहीं है कि खाली दिल्ली की मैं बताने वाला हूँ, आपको ऐसी बम्बई और भी जगह भी मिल जाएगी आपको। तो आइए हम चलते हैं अपनी वाली स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम क्रोम ओपन करेंगे, ये हमने क्रोम ओपन कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं आपके, मैंने लिखा है दिल्ली FIR ऑनलाइन। यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ फर्स्ट जो लिंक आएगा आपका, इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करते के साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इस तरह का इंटरफेस खुल गया है। यहाँ पे आप जो है अपना जो डॉक्यूमेंट है, वो जो भी आपका डॉक्यूमेंट लॉस्ट हुआ है, उसकी आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो आपको किस तरह करवाना है देख लीजिए आप, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको पता चल सके। तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले अपना नाम लिखना है, आपको जो कंप्लेन कर रहे हैं जो भी हैं आप अपना नाम लिखेंगे, फिर आप अपने फादर या मदर का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपको फादर या मदर का नाम लिखना है अपनी। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे कि आपका जो एड्रेस है वो कहाँ का है, आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस के बाद अपना फ़ोन नंबर डालेंगे यहाँ पर। फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी है अपनी, जिस पर कि आपका मेल जाएगा। जो आप FIR करेंगे वो PDF के फॉर्म में आपके मेल पे चली जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे आपका जो भी चीज़ खोई है वहाँ का प्लेस का नाम लिखना है, किस जगह पर खोई है ये। और अगर आपको डेट पता है तो डेट भी लिखनी है, और डेट लिखने के बाद अगर आपको टाइमिंग याद है टाइमिंग भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आपके नीचे जो लॉस्ट आर्टिकल पे है, यहाँ पे क्या चीज़ें खोई हैं आपकी और उसमें क्या क्या फंक्शन थे। मान लीजिए आपकी अगर फ़ोन खोया है तो आपका फ़ोन का IMEI नंबर क्या था, कौन सा फ़ोन था, कौन सा मॉडल नंबर था, ये सारी चीज़ें आप इस डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। अगर मान लीजिए उसके साथ और भी कुछ खोया है तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके, यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करिए। ऐड पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे और भी ऑप्शन आ गए, और यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं कि उसके साथ क्या क्या चीज़ें खोई हैं। और उसके बाद आपको ये जो नीचे नंबर दे रखा है ये कैच भरना है, और भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप फिर आपकी ईमेल आईडी पे आपकी जो ये FIR है वो आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दी जाएगी, उसमें आपका FIR नंबर होगा, और जो कि LR नंबर भी कहते हैं उसको। वो LR नंबर जब आप अगर अपने स्टेटस चेक करना है तो आपको LR नंबर वहाँ पर डालना पड़ेगा। तो हम आपको आगे बताएंगे किस तरह डालना है उसको और किस तरह अपना FIR का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं कि हमें अगर इसको आप तो एक तो वहाँ से कर लिया था आपने डायरेक्ट लिंक से, और अगर हम दूसरा देखते हैं कि अगर हमें और भी चीज़ें करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम जो लिंक है ऊपर इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, और यहाँ पे चेंज करा हमने लिंक, और ये देख लीजिए आप कुछ इस तरह का ओपन हो गया है अभी। और यहाँ पे जो आपका फर्स्ट है उस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया, यहाँ पे हमने फर्स्ट पे क्लिक करा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन ओपन हो गया है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये देखिए अगर आप इसे फर्स्ट पे क्लिक करते हैं अगर, तो फर्स्ट पे आपने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें आपको उसका स्टेटस आपको पता चल जाए कि वो उसका जो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि LR नंबर जो है यहाँ पे आप डालेंगे और आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको जो स्टेटस है FIR का वो पता चल जाएगा आपको। मैं आपको सेकेंड स्टेप बता रहा हूँ कि सेकेंड तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह आपसे आप सेकेंड तरीके से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो रजिस्टर जो आपने फ़र्स्ट टाइम देख ही लिया था कि किस तरह हमें FIR यहाँ पे दर्ज करवानी है। तो इस तरीके से आप अपने घर पे बैठे बैठे अगर आपको कोई चीज़ खो जाता है, अगर आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाने हैं, तो आप जो है डायरेक्ट ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और ये दिल्ली के लिए नहीं, ये मुंबई और भी काफ़ी सारी जगहों के लिए ये चीज़ें ऑप्शन ओपन हो गया हमारे लिए कि अब हम सारी चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डिजिटल इंडिया हो रहा है तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। और ये हमारे लिए अच्छा भी है, इससे हमें जो सुविधा मिलती है, काफ़ी ज़्यादा हमें किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता है।
और सारी चीज़ें हम खुद ही कर सकते हैं और हमारे जो काम होता है वो भी जल्दी हो जाता है, हमारा टाइम भी बच जाता है। तो गाइस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपकी कि FIR आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है FIR करने की तो आप किस तरह कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कोई क्वेश्चन कोई क्वाइज प्लीज़ कमेंट जरूर लिखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली मिल पाए, जिससे कि आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं कर पाए, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय। I'll shake.